हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल में। तो गाइज, इस वीडियो में मैंने लाया है समाज विज्ञान के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ आप लोग देख सकते हो मैंने लिखा है MIQ यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइज, ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, 80% चांस है। तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी मिस मत कीजिए और अंत तक देखते रहिए। तो देखिए, हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीज का उपयोग किस चीज में होता है। तो गाइज, मैं बता दूं कि ये मेरा सेकेंड चैनल है। मेरा फर्स्ट चैनल है नीलेश क्लासेस, जिस पे लगभग 90,000 सब्सक्राइबर है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किए हैं तो, क्योंकि इस चैनल पे अब काफ़ी वीडियो आने वाली है। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मैग्नीज का उपयोग किस चीज़ में होता है। तो देखिए, इसका आप आंसर लिखेंगे यानी मैग्नीज का उपयोग बताइए, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए, उत्तर इसका लिखेंगे कि मैग्नीज, पहले लिख लेंगे, मैंने लिखा हुआ नहीं, कि मैग्नीज का उपयोग निम्न उपयोग है। फर्स्ट क्या है उसमें कि मैग्नीज तथा तांबे के मिश्रण से टर्बाइन ब्लेड बनाए जाते हैं, यानी जो टर्बाइन की ब्लेड्स हैं वे बनाई जाती हैं किसके, मैग्नीज से। तो आप इस तरह जैसे मिश्रण से बनाई जाती है, मैग्नीज तथा तांबे के मिश्रण से, आप सिर्फ लिख देंगे कि मैग्नीज से टर्बाइन ब्लेड्स बनाई जाती है तो भी सही है, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग का क्या है कि मैग्नीज तथा तांबे के मिश्रण से टर्बाइन ब्लेड्स बनाए जाते हैं। उसके बाद इसका सेकेंड है कि मैग्नीज तथा कांसे के मिश्रण से जलयानों के कुछ पुर्जे बनाए जाते हैं, यानी मैग्नीज और प्लस इसमें कांसा, यानी दोनों के मिश्रण से क्या होता है कि जो जलयान होते हैं, यानी हम लोग के जो जलयान बनाए जाते हैं उनके कुछ पुर्जे बनाए जाते हैं मैग्नीज तथा कांसे, मतलब कांसे का उपयोग करके। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मैग्नीज का उपयोग जलयानों को बनाने में किया जाता है। तो इस तरह आप लोगों का ये क्वेश्चन हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हम लोग का क्वेश्चन है कि खनिज संरक्षण के दो उपाय लिखिए, यानी जो यार जो हम लोग की खनिज हैं, लोहा, चांदी, तांबा, जो भी हो, उनके संरक्षण के उपाय आपको लिखना है, दो उपाय लिखना है। ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, खनिज संरक्षण के दो उपाय निम्न है। आप उत्तर में क्या लिखेंगे, खनिज संरक्षण के दो उपाय निम्न है। उसमें फर्स्ट क्या है कि खनिजों को प्रयोग करने के बाद लोहा, तांबा आदि को गलाकर पुनः उपयोग करना चाहिए। यानी कहने का मतलब यार कि देखिए, जो खनिज यानी जो पदार्थ उपयोग करने योग्य हों, जैसे जो लोहा है, तांबा है, इनको ना हम चाहें तो खराब हो जाए, उसके बाद गलाकर भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो वही कह रहा है कि अगर खनिजों को प्रयोग करने के बाद, यानी प्रयोग कर लिए, उसके बाद मान लीजिए वो खराब हो गई, तो फिर उसको क्या कीजिए कि गलाकर और पुनः उनको उपयोग में लाइए। जैसे आप लोगों ने कबाड़ियों को देखा होगा, जो कबाड़ी होते हैं सब आते हैं और लोहा हुआ आपके घर से ले जाते हैं, तो क्या करते हैं, वो भी लोहा ले जाकर और अधिक जुटा कर और सीधे वो कंपनी को दे देते हैं कुछ पैसों में। तो कंपनी को देते हैं तो कंपनी वही लोहा गलाकर फिर उसको नया रूप में बदल देती है। तो वही कह रहा है यहाँ पर कि खनिजों का प्रयोग करने के बाद लोहा, तांबा आदि को, लोहा तांबा इसलिए लिखा है कि हर खनिज का हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, कुछ ही ऐसी खनिज है जिनका हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ लोहा तांबा, इसलिए लोहा तांबा यहाँ लिखा है। तो खनिजों का प्रयोग करने के बाद लोहा, तांबा आदि को गलाकर पुनः उपयोग करना चाहिए, तो फर्स्ट उपाय हो गई। और सेकंड क्या उपाय है कि खनिजों की खनन तकनीकों में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है जिससे धातुओं की बर्बादी न हो। और सेकेंड ये है कि देखिए, जो हम लोग की खनन, ये सब आप लोग जानते हैं कि लोहा, तांबा जो भी है जमीन से नीचे से निकलता है। तो अगर नीचे से अगर हम लोग की खनन क्षमता खोदकर जो निकालने की तकनीक है, वैज्ञानिक तकनीक काफी अच्छी रहे, तो जो धातुएं हैं वो अच्छी से निकल सकेंगी, अधिक से अधिक, मतलब कम से कम बर्बाद होंगी, ठीक है, और अधिक से अधिक हम निकाल सकेंगे। तो सेकेंड तो इस तरह इसका संरक्षण कर सकते हैं, और फर्स्ट इस तरह आपने, मैं आपको बता दिया। तो ये दो उपाय हैं, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, हम लोग का थर्ड क्वेश्चन है कि भारत के किन्हीं दो लौ अयस्क उत्पादकों राज्यों के नाम लिखो, या उत्पादक राज्यों के नाम लिखो। तो भारत के वे दो राज्य जो लौ अयस्क उत्पाद, यानी लौ अयस्क का उत्पादन करते हैं, वो हैं गोवा और छत्तीसगढ़। तो आप लोग उत्तर लिखेंगे कि भारत के किन्हीं दो लौ उत्पादक राज्यों के नाम निम्न है, फर्स्ट गोवा और सेकंड छत्तीसगढ़। तो आप ये याद रखिएगा, सभी काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो बस यार, इस वीडियो में इतना ही। तो फाइनली बताइए, ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें आगे बढ़ने में सपोर्ट कीजिए। तो थैंक यू गाइज।